सुप्रभात बच्चों, आज शनिवार है। आज आपका हिंदी भाषा का पीरियड है, ठीक है। तो कल हमने क्या किया था? कल हमने बुक में क्रिया पढ़ी थी। आप वर्ब पढ़ चुके हैं। क्रिया मतलब जो शब्दों से हमें काम के होने का पता चलता है। आज हम कॉपी में इसकी परिभाषा लिखेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी बुक की कॉपी निकाल लें, उस पर आज की तिथि डालें, 26/12/2020। बच्चों ये देखिए, आपने अपना निबंध पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद आप पहले ऐसे दिसंबर कोर्स डालेंगे। ध्यान से देखिए, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता, ढंग से अच्छा काम नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, जहां आपका निबंध खत्म हुआ है उसके बाद पहले दिसंबर कोर्स डालेंगे, उसके बाद आप आज का कार्य शुरू करेंगे। तो आज सबसे पहले हम आज का सुविचार डालते हैं। सुविचार है कर्म ही पूजा है ना, कर्म ही पूजा है। फिर पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। उसके बाद एक नीली रेखा। फिर हम डालेंगे क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब या वो शब्द जिनसे हमें काम के होने का पता चलता है। उसके बाद परिभाषा की हेडिंग डालेंगे और एक फिर नीली रेखा खींचेंगे। बच्चों परिभाषा है जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, कॉमा उन्हें, ये देखिए यहाँ पे अंकित बिंदु है, उन्हें क्रिया कहते हैं। उन्हें क्रिया कहते हैं मतलब डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जिन शब्दों से काम पता चल रहा है। आपने इंग्लिश में वीडियो भी देखी थी ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो इंग्लिश में वर्ब होता है उसी को हिंदी में क्रिया कहते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे। बच्चों एक बात आप याद रखिए, एग्जाम में जब आप लोग अपना कार्य करते हैं तो एग्जाम्पल लिख तो देते हैं, लेकिन अगर आपने उन्हें अंडरलाइन नहीं किया, आपने ये नहीं बताया कि कौन सा शब्द क्रिया है या कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा क्रिया छांटना है। तो बच्चों चलिए हम उदाहरण लिखते हैं अपनी कॉपी में। सीता नाच रही है। बच्चों किस शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है? सीता तो आपका क्या है, संज्ञा है ना। अब संज्ञा क्या कार्य कर रही है, नाचने का, है ना, संज्ञा है सीता। सीता नाच रही है। बच्चों एक बात याद रखेंगे कि ये जो है रही है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सहायक क्रिया है। ये मेन क्रिया ये है, ठीक है, ये सहायक क्रिया है। तो हमें इसे पूरा का पूरा छाटना होगा, पूरा का पूरा रेखांकित करना होगा, पूरे के नीचे हमें लाइन ड्रॉ करनी होगी कलर पेंसिल से या ब्लू पेंसिल से। नाच रही है, हमें क्रिया और सहायक क्रिया, जो क्रिया इस क्रिया को पूरा कर रही है, क्योंकि फिर सीता नाच तो कुछ अधूरा है ना, तो रही है भी आपका अंडरलाइन होगा, सहायक क्रिया है, ठीक है। इंग्लिश में जैसे आपने किया था सीता इज डांसिंग, तो इज क्या थी, हेल्पिंग वर्ब थी, तो इसी तरह रही है भी सहायक क्रिया है। फिर दो लाइन छोड़ेंगे, नंबर दो पे घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा का कार्य क्या है, दौड़ना, ठीक है। तो आपको पता है कि जो शब्द कार्य बताते हैं, एक्शन वर्ड होते हैं, वही होते हैं क्रिया। तो दौड़ता है पूरा का पूरा ही आपका क्रिया होगी, ये सहायक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है, ठीक है। नंबर तीन पे बालक दूध पी रहा है। बालक क्या है, संज्ञा है, क्योंकि क्या है, व्यक्ति है। दूध क्या है, वस्तु है, ये भी संज्ञा है। पी रहा है, बालक के द्वारा क्या कार्य हो रहा है, पी रहा है, दूध को पीने का कार्य हो रहा है, तो पी रहा है। देखिए मैंने फिर आपको पहले भी बताया कि सहायक क्रिया और क्रिया आप दोनों को ही छांटना होता है, ठीक है, तभी क्रिया पूर्ण होती है। तो बालक दूध पी रहा है, पी रहा है, इसको हमने किसी भी कलर से या ब्लू पेंसिल से हम इसको रेखांकित करेंगे, छांटेंगे। तो बच्चों इस तरह आपका ये आज परिभाषा और उसके बाद उसके उदाहरण हो गए, ठीक है। बहुत सुंदर राइटिंग में अपने कार्य को करेंगे और कार्य खत्म होने के बाद दो लाइन छोड़ के हिंदी का केस देंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।